कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सबका प्यारा मुश्तबा हसन और आप देख रहे हैं मुश्तबा मेरा व्लॉग। हमारी जैसे भी हमारी खुद की जैसे भी आ गई है वापस और हम इधर करवाने लगे इस जगह को प्लान पूरा, क्योंकि हम इधर लगाएंगे अब अपनी सब्जियां। तो सब्जियां लगाने के लिए सबसे पहले हमें इस जगह को प्लान करना है, जिसका काम हमने शुरू कर दिया है। आज हम उड़ गए सुबह और हमने अभी चाय रोटी कर ली अपनी, अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने शूमने के लिए। तो हमारी समर वेकेशन चल रही है बहुत मजेदार वाली, तो खत्म भी कहते हैं हम। अब आज हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने शूमने के लिए, बिकॉज समर वेकेशन पड़ी है, हम घर में ही रहेंगे बिकॉज अभी हमारा टाइम नहीं है। हम बाद में जाएंगे अपनी खाला के घर, बाद में फिर कभी जाएंगे यार, अभी तो टाइम लग रहा नहीं हमें जाने का। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर वाले छत पर, मैं रख देता हूँ ऊपर। हम आगे छत पे और अभी इनका मौसम बहुत अच्छा है, मौसम है यहाँ पर मेरी बहन को देखो गाइस, ये यहाँ पर घूमने फिरने आती है रोज यहाँ पर। गाइस धूप में आपको दिख रहा होगा यहाँ ना, यहीं पर उधर व्यू बड़ा तगड़ा आ रहा है इस टाइम पे, बहुत अच्छा अच्छा व्यू आ रहा है इस टाइम पे। व्यू के बीच मेरी अच्छी अच्छी बहन भी आ गई है वहाँ पर, ऊपर हमारी भैंस बैठी हुई है मस्त पंखे के नीचे बैठी हुई है भैंस भी अपनी। तो अभी हम देखेंगे बाद में क्या करेंगे, बाद में हम क्या क्या करते हैं जो करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे टाइम टू टाइम, बिकॉज आप देख रहे हो मुश्तबा की दुनिया, मेरा व्लॉग देख रहे हो आप, तो बहुत ज्यादा मजेदार मौजूद ठीक है। और अभी पूरा हरा हुआ है, बीच में लाइट लाइट धूप लग, धूप पूरी नहीं लगी, लग रही है। हम नीचे और अब मैं डालने लगा अपने इधर खल अपनी इस बाल्टी में, खाना शाना भी तो डालना पड़ता है यार, हमारी मंजी रखी है तो खाना डालना पड़ता है उसका। तो मैं डायरेक्ट इसमें खल डालता हूँ और आपसे भी दिखता हूँ। अभी हमने इतनी खल डाली, बाद में डाली रात को मिलेंगे ना गाड़ी को, तो इसमें हमने खल डाल दी। मिलेंगे ना यार अभी थोड़ी, हम मिलेंगे अभी थोड़ी ना, पानी भरना है इसके बीच। तो इस रूम में हम रात उस क्या कर देंगे, ये क्या करते हैं अभी बैठे हमें बहुत ज़्यादा, इसमें दादी अपना कूलर गर्मा सुनी फैन में दम नहीं है यार हवा लेने जितना। तो गाइस इधर हम करते हैं रेस्ट रेगुलर की, ठीक है इधर हम रेगुलर रेस्ट करते हैं। इधर ये रूम बहुत ज़्यादा ठंडा है, उसमें कूलर की हवा अलग लेवल की आती है, कूलर की हवा ठंडी ठंडी आ रही है, बहुत मज़ा आता है इस रूम में रात को सोने का। बहुत अच्छा रूम है, बहुत ठंडा रूम है, मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया, अब हम चलते हैं थोड़ा सा बाहर घूमते फिरते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पता है गांव पर, सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पर जाएंगे यार जी, चाय पी रही है ना? हाँ जी, तो गाय हम जाएंगे ट्यूशन पढ़ने हैं। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, नोटबुक अपने उठाते हैं और चलते हैं डायरेक्ट ट्यूशन। तो गाइज ये मेरी मम्मा के दादू, ये जा रहे हैं अपने घर और मैं भी जा रहा हूँ इनके साथ ट्यूशन पढ़ने। वापिस और क्या हालत है इस रूम की, और अब हम करेंगे साफ। चुप गंदी हालत है, ठीक है साफ करते हैं इसको जल्दी जल्दी। सो गाइस इस रूम को साफ करने में लगेगी बहुत ज्यादा मेहनत, क्योंकि इस पे हम मेरे और मुंधा का गंद बहुत ज्यादा ही है। हम दोनों जब भी कोई चीज करते तो इसका गंद आता ही आता है, तो हम पहले करेंगे पूरे रूम को साफ, मतलब पूरी रूम को क्लीन, जो भी सामान है इधर का सारा बाहर निकाल के रख देंगे। तो ये देखो गाइस यहाँ पर पूरा रूम हमने कर दिया खाली बीच से, अब हम जाएंगे और इन सब पहले झाड़ेंगे फिर डालेंगे अंदर। हमारे रूम की फाइनल लुक, इधर हम दौड़ में सोएंगे, इधर हमारा स्टडी और खेलने का एरिया आ गया, यहाँ पर हमारा पूरा खाली है, यहाँ पर हम अपना पसंद का सामान थोड़ा सा रख सकते हैं जो हमें रखने का मन है, वहाँ पर हमारी जानमाज है, यहाँ पर हमारे पिल्लोज, वहाँ पर भी हमारे, इसके लिए बहुत मेहनत लगी है, इसलिए आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के बटन को तोड़ो फोड़ो, लाइक के बटन को जोड़ो जूम करने करो, बस लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट अच्छे अच्छे कर दो बाय। तो गाइस वहां से जो हमने कालीन उठाई थी तो अब हम उसको धो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत गंदी थी तो हमने उनको वापस नहीं डाला, इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी थी वो जो निकाल रहा है टाइम में हमारे लिए मक्खियों का टाइम, दवाई रखी है इसके बीच, बहुत सारी मक्खियां मरी हुई हैं, थोड़ी नीचे अपने वही दूरे के साथ उड़ रही हैं, थोड़ी थोड़ी से सबने खाई है, मतलब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में फट गया ना कुछ। गाइस हो गई थी शाम और हम आगे बाहर अपना वही बैट बॉल खेलने गली क्रिकेट। गाइस कैसे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसे यार, अभी तो शाम का वक्त हो गया, हम आगे ऊपर और यहाँ पर मेरी आंखों में पानी गिर गया, मतलब बैट बॉल की सट लगी नासू में, तो हो गया काम खराब। तो अभी हम आए ऊपर, हमारी भैंस है ऊपर खुली हुई है और शाम टाइम का सन पूरा सेट हो चुका है मस्त। तो आज के दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे टॉपिक से, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय।